हेलो दोस्तों, सभी को राम राम। मैं आपका दोस्त रजत त्यागी। आज चलते हैं एक अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पे, एक हाईवे पे अपना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहां पे लेके चलते हैं आज आपको। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले लेके आए आपको अपने कैंप पे, जहाँ अपनी गाड़ियाँ और जो मशीनें होती हैं वो सभी यहीं पे खड़ी होती हैं। यहीं स्टाफ के रहने और खाने की व्यवस्था यहीं सब की गई है भाई, अपना ड्राइवर स्टाफ हो या इंजीनियर स्टाफ हो। ये कैंप पे किचन बना रखा भाई, जो स्टाफ के नाश्ते खाने सब व्यवस्था यहीं से होती है। यह है जी अपना ऑफिस, जो यहीं कैंप में बनाया हुआ हमने। और जो अपना कॉन्ट्रैक्ट है ये दिल्ली अक्षरधाम से और छुटमलपुर देहरादून तक हाईवे बनना, इस पर कॉन्ट्रैक्ट है हमारे पास। तो जी एक रैंप का काम चल रहा है भाई, यहाँ पे फिलहाल गाड़ियाँ वाड़ियाँ दस्ती रहे हैं, तो उस वजह से आइए दिखाते हैं आपको। चलते हैं फिलहाल हाईवे की थर्ड लेयर तैयार हो रही भाई, फिलहाल डंपिंग चल रही है यहाँ पे, बोर एरिया से मिट्टी लाकर यहाँ पर डंप की जाती है। अपना लोडिंग का काम चल रहा है भाई, यहाँ से एक्सकैवेटर लगा हुआ, लगभग 3 से 5 मिनट के अंदर ये एक गाड़ी लोड कर देता है। और जी यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर के आसपास की लीड पड़ रही, जो अपने हाईवे में आपको दिखाया अभी, जहाँ पे डंपिंग हो रही। जैसा कि आप देख पा रहे हैं भाई, बहुत ही हैवी लोडिंग थी आवाज, 3 से 5 मिनट के अंदर। ऑपरेटर प्रदीप कुमार, पानी का टैंकर फंस गया भाई अपना, ये निकालने के लिए जेसीबी। जेसीबी मदद चाहिए रहती है भाई सब। चाहे मना भी करता रहो, जब तुम खा कर रख देती हो भी चीज तो है।
ये जी अपना रोलिंग का काम चल रहा है यहाँ पर विद वाइब्रेशन। ये जो है जी एक लेयर तैयार करने के लिए डंपी तोड़ने के बाद लगभग 5 से 7 पास मारने होते हैं इसमें। ये विष्णु कुमार चीफ इंजीनियर सुपरवाइजर बहुत सारे उपाधीन के पास। टैंकर दोबारा फंस गया भाई, आओ देखते हैं क्या हुआ। हैवी लोड होने की वजह से और मिट्टी हो जाती है इस वजह से बार बार दस्ता रहता है। और अब जी अपनी पूरे दिन की एक्टिविटीज़ के बाद हम वापस आ चुके हैं अपने बेस कैंप पर। अब नेक्स्ट टाइम आपको कुछ मशीनों के बारे में जानकारी देंगे और नाइट शिफ्ट का काम भी। हाँ तो जी ये था अपना कंस्ट्रक्शन साइट का व्लॉग जो आपने देखा। जल्दी मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए सभी दोस्त जुड़े रहें। सभी दोस्तों को राम राम।